भी थी, इस वक्त पेपर स्टार्ट कराना ज्यादा जरूरी था और उन्होंने हमें पेन तक को हाथ नहीं लगाने दिया। 11 बजे तक उन्होंने हमें उन्हीं बातों पे और उन्हीं सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि एटलीस्ट ये ग्रेस मार्क्स तो चलें बात की बात है ना, एटलीस्ट ये कीट्स और ठीक है, इतनी बड़ी लाइक एजेंसीज हैं लेकिन इनसे इतना सा काम भी नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट कीट्स तो अपनी ठीक रखें। अब देखें, अब जिनके मार्क्स इन्होंने जब ग्रेस मार्क्स देने एंड पे, तो अब देखें जिन बच्चों के एमसीक्यूज गलत हैं, जिनकी लाइक जिसकी की डिफरेंट है, तो उनका वो भी ठीक हो जाना है गलत एमसीक्यू भी उस गलत की वजह से, उसके बाद उनको उस पर ग्रेस मार्क्स भी मिल जाना है। देखिए तो बिल्कुल गलत बात है, लास्ट ईयर भी इसी तरह हुआ था, ऊपर से ग्रेस मार्क किसी को ये कितने देते हैं, किसी को देते ही नहीं है और किसी के जितने होते हैं उससे भी कम कर देते हैं। अब फिक्र ये हम उनसे बात कर लेंगे। हमजा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। नासिर भाई आपके पेपर में 2 से 3 इशू थे। पहला इशू ये कि आउट ऑफ सिलेबस सवाल तो थे ही, लेकिन सर आउट ऑफ कोर्स भी थे। बिल्कुल मैंने पीटीबी का कोर्स तैयार किया था, अगर कुछ सिलेबस से आया भी था तो वो फैकल्टी से आया। एक ये इशू है, और सर सबसे बड़ा और जो इन्होंने की अपलोड की है सर उसमें भी काफी मिस्टेक है, और ये कभी की अपलोड कर देते हैं कभी मिटा देते हैं, इनको अभी तक ये नहीं पता कि की क्या सही है, ये बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। पिछले साल जो आपने करूँ तो सर जो पिछले साल एमके क्या हुआ था और जो इस साल हुआ है सर, फर्क सिर्फ इतना है कि इस साल फिजिकल हुआ है और पिछले साल ऑनलाइन था, बाकी सारा सिनेरियो वही बन रहा है सर। पिछले साल आईटी कैडर्स से, इस दफा आईटी की कसर वो जो इन्विजिलेटर से उन्होंने निकाल दी, राइट सर? ऐसे ही है। और सर एक और ये भी इशू है कि क्या नाम है, जो पिछले साल जिस तरह का क्वेश्चन आए थे बिलफर्स पीएमसी क्वेश्चन बैंक, और इस साल अगर यूएचएस ने पेपर बनाया वो भी उसी का ही लग रहा है कि इन्होंने पीएमसी का ही क्वेश्चन बैंक यूज किया है। और हमें कहा कि आपको प्रोविंशियल बुक यूज करनी है, आपका पेपर प्रोविंशियल बुक से ही बनेगा, आउट ऑफ सिलेबस और प्रोविंशियल बुक से बाहर आया था पेपर। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि जो आपका, ये मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि आपको ये लग रहा है कि आपका जो पेपर है वो नेशनल सिलेबस से आया है, प्रोविंशियल सिलेबस से नहीं आया, राइट? हाँ बिल्कुल ऐसा। ये सारे जो यूएचएस का पंजाब में हुआ है ना, ये बायो का एमसीक्यू 27, ये फेडरल की बुक के अंदर तो मेंशन है ना, बायो के अंदर तो वो यही है कि मिडिल ईयर कितनी होती है, वो जस्ट 3 है, लेकिन बुक के अंदर ये नहीं लिखा हुआ, उनके नाम नहीं लिखे हुआ, मतलब ड्यूरा मैटर, आर्कनाइट मैटर, पिया मैटर। तो उसने आज एमसी को ये बनाया कि मिडिल लेयर इनमें से कौन सी है, इवन के वो बुक के अंदर ही नहीं है, तो आप क्यों पूछ रहे हैं? और एक जी कि पेपर कोड ना, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ, ये पेपर कोड सारों का था बिल्कुल सेम। आंसर बात कर रहे हैं? जी जी आंसर। आंसर भाई हलवा तो भेज दें यार। जरूर जरूर, आप हमारा काम करवा दे, हलवा ही खिलाएंगे आपको। जी जी बात करें, ये मैं कह रहा था कि मुझे लोग 10 रुपया ऑफर करते हैं यार, मुझे हलवा ऑफर कर रहे हैं काम के बदले। नहीं ये मैं ना हलवा खाता हूँ, मैं दुआएं लेता हूँ मेरे भाई। नहीं नहीं जरूर भेजेंगे आपको। अच्छा जी आप बात करें, ये पेपर कोड बिल्कुल सारों का था सेम। जब हम हाल से निकले ना बाहर, तो लोग कह रहे थे हमारी इतनी चीटिंग हुई है ना, हद से ज्यादा। मुल्तान में बी रेडियो नासिर भाई, एक और इशू था, जैसे मैं रिपीटर हूँ तो मैंने फैगल बुक पढ़ी हुई थी, थोड़ा सा मुझे बायो में उसका एज मिल गया, जो खासतौर पर हमारे भाई बहन फ्रेशर है उन्होंने बायो अपनी बिल्कुल पढ़ी थी, तो उनका अगर फैगल से आया तो उनका ज्यादा नुकसान होगा इसमें, तो अगर इन्होंने प्रोविंशियल कहा था तो फिर नेशनल लेवल के पेपर से सिलेबस से पेपर क्यों आया था, मिस क्या किया गया सर? दैट इज सैड। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो अगर मैं स्टार्ट से बात करूँ कि जब हम जैसे फॉर एग्जांपल सेंटर होते हैं, तो मेरा सेंटर एनडीडी पड़ा था, मिस मैनेजमेंट बहुत ही एक्सट्रीम क्लियर था, मतलब जैसे
आपने एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है कि यू आर सपोज्ड टू सेंड एनी अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बेयरिंग योर फोटोग्राफ, बच्चे पीआरसी डोमिसाइल लिए, उन्होंने बच्चों का पीआरसी लिया, वही जमीन पे रद्दी की तरह जमा करना शुरू कर दिया एंड बाद में बच्चे ढूंढ रहे थे वो अपने पीआरसी और अपने लोग चल के जा रहे हैं और मतलब बिल्कुल होता है ना वो डॉक्यूमेंट ऐसा है पीआरसी का, हमें ये पता कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस कंसिडर की जाती है और उसको बनवाना कितना हेक्टिक होता है। दूसरी बात एक कि जब हम जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम सेंटर के अंदर गए हमें रफशीट नहीं दी गई रफ वर्क के लिए, जो कि आपको पता है एमडीकेट में कितनी यू नो वाइटल होती है एंड उसकी जगह चलो रफशीट नहीं दी गई, बच्चे गए कि चले हम अपने एडमिट कार्ड पे रफ वर्क कर लेते, उन्होंने उस काम से भी मना कर दिया। इंस्टेड उन्होंने ये इंसिस्ट किया कि आपने अगर रफ वर्क करना ही है तो आप जो अपने क्वेश्चन पेपर पे करते हैं, क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ था कि डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन इट, लेकिन उन्होंने इस बात पे की कि आप जो अपना क्वेश्चन पेपर पे रफ अप करें और अपने 3.5 घंटे के टेस्ट के दौरान में जिसमें आपको टेस्ट कंडक्ट करना चाहिए आप बैठ के अपना रफ अप इरेज भी करेंगे कि आपने रफ अप किया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अनफेयर होता है क्योंकि रफ अप के बगैर आप फिजिक्स न्यूमेरिकल या इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो तो आप कर ही नहीं सकते। एंड देन जहाँ पे आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, आप सबके लिए अच्छी खबर ये है कि मुझे एक पैगाम वसूल हुआ है अभी अभी कि स्पेस के बाद मैंने आपको बताया वो लोग सुन रहे होते हैं तो जो प्रेसिडेंट साहब हैं आपके डॉक्टर नौशाद अहमद शेख, उन्होंने मंगल को जो पोस्ट एनालिसिस मीटिंग है जिसकी एक साहब बात कर रहे थे उन्होंने कॉल कर ली है और पोस्ट एनालिसिस जो एमडीकैट की मीटिंग है उसमें ये तमाम तर मसाइल तमाम तर शिकायत और तमाम तर जो इश्यूज हैं उनको देखा जाएगा और आपकी ये जो स्पेस है ये चूंकि रिकॉर्डिंग पे है और उसके बाद ये रिकॉर्डिंग में पोस्ट भी कर देता हूँ जिसमें लास्ट टाइम की थी और इस रिकॉर्डिंग को भी प्ले किया जाएगा ड्यूरिंग द मीटिंग ताकि आप सबकी जो शिकायत है उन तक पहुँच सकें। तो आप प्लीज बात करें सर, एक क्वेश्चन प्लीज, ये सी पूरी बात करने के लिए उनको क्या डेकोरम है। अब जो स्पेसिफिकली जो कैम्ब्रिज का स्टूडेंट है जब वो इस तरह के इम्तिहान में जाते हैं कैम्ब्रिज के बच्चे उन्होंने बहुत थाउजेंड ऑफ उसमें एक्सपो सेंटर में बैठ गया